मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सोनिया कौशिक एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल केसी बायोजोन। और आज के वीडियो में हम लोग करेंगे द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ये कंफर्म होने से पहले कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए थे, एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th, एंड दिस टॉपिक इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्लास 12th में भी इम्पॉर्टेंट है, एंड जो स्टूडेंट्स एनटीएससी के लिए या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन सभी के लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, हेरिडिटरी मटेरियल, द मटेरियल दैट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सो 1928 में क्या हुआ, ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अभी हम इसको डिटेल में करेंगे। उसके बाद 1933 से 1944 तक केमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, जो भी ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल के बारे में इन्होंने बताया था, अब वो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल क्या है इसकी खोजबीन स्टार्ट हो गई। फिर 1952 में हर्शी एंड चेज ने कंफर्म किया कि जो भी सोचा जा रहा था कि जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, वो कंफर्म हुआ। तो चलिए आज की वीडियो में आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हमें पता लगा दैट जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ये 3 मार्क्स के लिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, मतलब सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की विद यूजिंग बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जिसको न्यूमोकोकस भी कहा जाता है, इससे आपको पता है निमोनिया डिजीज हो जाती है। तो इसकी 2 स्ट्रेन यूज की इस बैक्टीरिया की, एक थी एस स्ट्रेन और दूसरी थी आर स्ट्रेन। एस मीन्स स्मूथ शाइनी कॉलोनी जिसमें थी, और ये वायरुलेंट थी, डिजीज कॉजिंग थी, और आर स्ट्रेन जिस रफ कॉलोनी थे, नॉन वायरुलेंट थी, कोई डिजीज से कॉज नहीं होती। तो 2 स्ट्रेन थी। तो ये शाइनी जो स्मूथ लेयर ऊपर थी कैप्सूल जैसी, तो ये एक एक्चुअली म्यूकस पॉलीसेक्राइड कोट था। पॉलीसेक्राइड इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसमें काफी सारे मॉलिक्यूल्स शुगर के होते हैं। पॉली मतलब ज्यादा, सेक्राइड मतलब शुगर। तो वायरुलेंट फॉर्म जब भी माइस के अंदर इंजेक्ट की गई, माइस डाइड ड्यू टू निमोनिया इन्फेक्शन, माइस की डेथ हो गई। तो देखिए कैसे इन्होंने क्या क्या सीरीज एक्सपेरिमेंट की थी। सबसे पहले इन्होंने एस स्ट्रेन जो कि वायरुलेंट थी, वायरुलेंट स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया, माइस डाई। ठीक है, देन आर स्ट्रेन जो कि नॉन वायरुलेंट थी, जब इन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया, कुछ भी माइस की प्रॉब्लम नहीं हुई, माइस अलाइव। देन थर्ड केस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एस स्ट्रेन लिया जो कि हीट किल था डिजीज कॉजिंग को, तो इन्होंने हीट किल कर दिया, देन इंजेक्टेड इन टू माइस, तो अगेन माइस लाइक। इसका मतलब अगर एक्स स्ट्रेन को हीट किल कर दिया जाए तो ये माइस पे कोई असर नहीं करेगा। तो नेक्स्ट सीरीज में ये इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट सीरीज में उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो हीट किल था उसके साथ आर स्ट्रेन को लाइव डाल दिया। अब देखिए आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट है, ठीक है, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइव है, और ये जो वायरुलेंट था उसको पहले से ही क्या कर दिया, उसको हीट किल कर दिया। अब जब इसको माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस डाई। अब यहाँ प्रॉब्लम हो गई, यहाँ प्रॉब्लम हो गई क्या, कि आर स्ट्रेन जो कि नॉन वायरुलेंट है, आर स्ट्रेन जो कि नॉन वायरुलेंट है, ठीक है, इसने तो माइस को नहीं किल किया। इसका मतलब आर स्ट्रेन की वजह से, इसका मतलब कि जो एस स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन ने आर स्ट्रेन को वायरुलेंट में चेंज कर दिया, राइट, इसने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्या कर दिया, इसने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, एस स्ट्रेन को क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, और माइस के अंदर जब इंजेक्ट किया गया तो माइस डाई। मतलब एस्ट्रेन खुद इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता था, लेकिन उसने आर स्ट्रेन को वायरुलेंट बना दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन हमारे पास आता है, सो द कंक्लूजन इज ग्रिफिथ कंक्लूडेड आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड बाय हीट किल एस्ट्रेन। ठीक है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि नॉन वायरुलेंट था, इसको वायरुलेंट बैक्टीरिया ने ट्रांसफॉर्म कर दिया था। इसका मतलब कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है जो एस से आर के अंदर जा रहा है। अब वो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल क्या है इसके बारे में अभी ग्रिफिथ को पता नहीं था। सो उसी के पता लगाने के लिए बाद में साइंटिस्ट आए, एवरी मैकलियॉर्ड एंड मैकार्टी। एवरी मैकलियॉर्ड एंड मैकार्टी, ये 3 साइंटिस्ट ने पता किया, ठीक है, कि वो जेनेटिक मटेरियल क्या है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, यानी कि जो एस स्ट्रेन हीट किल एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर गया है।
इस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है, कि जो भी उसके अंदर मटेरियल था वो क्या मटेरियल था। सो पहले ऐसा माना जाता था कि मोस्ट प्रोबेबली प्रोटीन है, कोई ऐसा प्रोटीन है जो एस स्ट्रेन से, यीस्ट के लेस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर जा रहा है। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया ऑस्वर्ल्ड एवरी और कॉलिन मैकलियोड मैकलिन मैकार्टी ने, तो उन्होंने देखा कि क्या वो जेनेटिक मटेरियल। तो इन्होंने तीन एंजाइम यूज किए बच्चों, इन्होंने प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए प्रोटीएज, डीएनए को डिग्रेड करने के लिए डीएनएज, और आरएनए को डिग्रेड करने के लिए आरएनएज एंजाइम यूज किया, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने प्रोटीएज एंजाइम यूज किया और प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, ठीक है, या आरएनएज एंजाइम यूज किया और आरएनए को डाइजेस्ट किया, तो दोनों से ही ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लेकिन वही जब इन्होंने डीएनएज एंजाइम यूज किया जो कि डीएनए को डिग्रेड करता था, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया, इनहिबिट हो गया। इसका मतलब अगर प्रोटीन से फर्क नहीं पड़ा, आरएनए प्रोटीएज से फर्क नहीं पड़ा, आरएनए से फर्क नहीं पड़ा, डीएनए से फर्क पड़ा, दैट मींस डीएनए ही कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल। तो इसका कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन था कि डीएनए ही हेरिडिटी मटेरियल था। लेकिन अभी भी बहुत से बायोलॉजिस्ट ऐसे थे जो डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है इससे अभी भी सेटिस्फाई नहीं थे। सो बेसिकली फिर प्रूफ देना पड़ा, दो और साइंटिस्ट आए जिन्होंने प्रूफ किया डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, एंड दैट साइंटिस्ट वर हर्शी एंड चेज। हर्शी और चेज ने एक्सपेरिमेंट किया 1952 में, एल्फर्ड हर्शी ने और मार्था चेज ने। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल यूज करते हुए, P32 इन्होंने यूज किया, फॉस्फेट P32, S35 इन्होंने यूज किया। तो फॉस्फेट 32 से इन्होंने लेबल किया डीएनए, और सल्फर 35 से इन्होंने लेबल किया प्रोटीन को, और वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ऐसे वायरसेस को क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, दे ग्रो सम वायरसेस ऑन अ मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। तो इन्होंने दे ग्रो सम वायरसेस ऑन अ मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। तो इन्होंने क्या किया, जो वायरसेस थे, जो बैक्टीरियोफेजेस थे, उनका डीएनए को लेबल कर दिया फॉस्फेट से, P32 से, और उनके जो बाहर का प्रोटीन कोड था उसको लेबल कर दिया S35 से, यही ग्रो करने के लिए उनको दिए सल्फर, क्योंकि उनके प्रोटीन कोड में होता है। सो रेडियो एक्टिव फेजेस जब इकोलाई को इन्फेक्ट किया, इकोलाई बैक्टीरिया, आपको पता है बैक्टीरिया हमेशा बैक्टीरिया पे जो अटैक करते हैं वायरसेस उनको फेज बोलते हैं, फेज वायरस बोलते हैं या बैक्टीरियो फेज बोलते हैं। तो बैक्टीरियो फेज इन्फेक्ट करेगा तो, और बैक्टीरियो फेज में डीएनए और प्रोटीन हमने लेबल किया है, तो देखिए जब रेडियो एक्टिव डीएनए को लेबल किया गया P32 से, तो वही बैक्टीरियल सेल के अंदर पाया गया, जबकि S35 जो कि प्रोटीन वायरस कोड को लेबल किया था वो अंदर नहीं मिला। इसका मतलब जो चीज अंदर ट्रांसफर हो रही है सेल से, बैक्टीरियोफेज से, जो बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर रही है, वही तो जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला क्या, कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए हु गेव द प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, तो प्रूफ वॉज गिवन बाय हर्शी एंड चेज। आप यहाँ इस तरीके से इसको देख सकते हैं, देखिए ये है बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोड, ये जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ ये है प्रोटीन कोड, और इसको लेबल कर दिया सल्फर 35 से, और ये होता है डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए अंदर, इसको P32 से लेबल कर दिया। अब देखना ये है कि बैक्टीरियोफेज से, यानी कि बैक्टीरियल वायरस से, बैक्टीरिया के अंदर क्या जाता है। तो बच्चे देखिए यहाँ पे पहले प्रोटीन कोड को लेबल किया गया, ठीक है, ये प्रोटीन कोड लेबल था, लेकिन ये तो बाहर ही रह गया प्रोटीन कोड, ये तो बाहर ही रह गया, अंदर क्या गया डीएनए। इसका मतलब S35 की वजह से रेडियो एक्टिविटी अंदर बैक्टीरियल सेल के अंदर शो नहीं हुई। वेयर एज इन सेकेंड केस इफ यू सी द डीएनए इज लेबल्ड विथ P32, P32 से डीएनए को लेबल किया गया, एंड यू कैन सी द रेडियो एक्टिविटी इन साइड, दैट मीन्स डीएनए कैन ट्रांसफर फ्रॉम बैक्टीरियोफेज टू इकोलाई। इसका मतलब जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में चीज ट्रांसफर हो सकती है, मटेरियल ट्रांसफर हो सकता है, वो क्या है? डीएनए। और बैक्टीरियोफेज के इन्फेक्शन स्टेजेस आप देख लीजिए, पहले ये अपने टेल से अटैच होगा इन्फेक्शन, और फिर अंदर अपना डीएनए भेज देगा जिसको ये बोल रहे हैं ब्लेंडिंग, एंड फाइनली वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, और आप उसको ब्लेंड करके देख भी सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल की जो सेल डेब्रिज होंगी वो नीचे आ जाएंगी, और जो डीएनए है वो सुपरनेटेड में मिलेगा, आप इसको कन्फर्म भी कर सकते हैं। तो ये जो तीन एक्सपेरिमेंट थे, सबसे पहले ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के बारे में बताया, ठीक है, उसके बाद बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन जो कि एवरी मैकलियोड एंड मैकार्टी ने, एवरी मैकलियोड एंड मैकार्टी ने,
और उसके बाद हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों ही एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है क्लास 12th चैप्टर नंबर, चैप्टर नंबर 6 के अंदर, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी एक्सपेरिमेंट एग्जाम में आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हर्शी एंड चेज, ये 3 मार्क्स में आ सकता है, ग्रिफिथ भी आ सकता है, और ये 1-2 मार्क्स में बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन भी आ सकता है। तो आई होप दीज एक्सपेरिमेंट्स नाउ बिकम्स इजी फॉर यू ऑल। नाउ यू नीड नॉट टू क्रैम देम एंड यू नीड नॉट टू मेक, सो यू कैन डू इट इजिली नाउ, ठीक सो। अगर वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। गुड बाय एवरीवन।